हमारे यहाँ नहीं गिरा रहा हूँ सर, देखें ये गिर जाएगा, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, पकड़ ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को ये बताया है कि ये मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप बहावारियाँ गिनने की कोशिश करें। यहाँ दरख्वास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो 2018 की महावारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूँ ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और अब ये मामला अदालत के हाथ में है, हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़े है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज़ है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मोतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाकियाती तौर पे भी और कानून की नज़र में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है खबर माने का, और उसके बाद आके वो दरख्वास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह 1 जनवरी 2018 को होता है और ये दरख्वास्त नवंबर 2023 में दाखिल की जाती है। तो आपके सामने हैं तमाम वाकयात कि किस तरह लोगों को मोहरों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। सियासी मकसद ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप औरत की हुर्मत पर हमला करें। तो मैं आपके तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए इस तमाम बेहरमती के ख़िलाफ़। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख्स को माना गया, हमें PTI के तौर पर असम्बली का मेम्बर माना गया। ये मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, आपके आर्गुमेंट्स तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आप लोगों के खिलाफ आया, अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखिए ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बावजूद मैं कासिर हूँ मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौम फैसला करे कि उन जज साहिबान पर हो या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है, मैंने कहा मैं मुंतज़र हूँ एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक व सबाक में ये मुकदमा इस अदालत में आया वो हमारे लिए तशवीशनाक है।
लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आईन और वाकयात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फैसला भी कानून और आईन के मुताबिक आएगा, वाकयात के मुताबिक आएगा। लेकिन फैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फतह हमारी है क्योंकि हम हक और सच पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। कमर शोज़ा भारी है सुसाइड। कमर शोज़ा भारी है। कमर शोज़ा को रास्ता दे दें।